व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम ही है ग्राफिक डिजाइन हिंदी में। मैं हूँ ओम और आज इन डिजाइन के इस चौथे एपिसोड में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ और बातें। पिछले चैप्टर्स में मैंने टेक्स्ट के बारे में बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, बट आज इस चैप्टर में हम टेक्स्ट के बारे में कुछ और थोड़ा और डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर्स में समझाया था कि टेक्स्ट हमें अगर यहाँ पर ऐड करना हो तो हमें फ्रेम्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और फ्रेम्स हम यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ये जो रेक्टेंगल फ्रेम टूल है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए। फिलहाल बात टेक्स्ट की है तो चलिए टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सिंपली क्लिक करके ड्रैग करना होता है, टेक्स्ट फ्रेम बन जाती है। टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट हो जाने के बाद हम डबल क्लिक करके उसमें टाइप कर सकते हैं या फिर कोई टेक्स्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल डी जो प्लेस की कमांड है वो हम यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल डी करता हूँ तो देखिए मेरा डेस्कटॉप ओपन हो चुका है जहाँ पर मैंने एक नोटपैड की सिंपल सी फाइल बनाई है जिसमें एक सैम्पल स्टोरी है। तो मैं उसे क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद वो सारा जो नोटपैड में कंटेंट था वो अब इस फ्रेम में आ चुका है। इस तरह से हम टेक्स्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर और एक तरीका है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम टेक्स्ट टूल यहाँ पर लेते हैं और फिर कंट्रोल डी दबाते हैं और फिर वो फाइल चूज़ करते हैं। तो हम इस मार्जिन को कंसिडर करके भी यहाँ पर टेक्स्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, अभी देखिए जैसे ही मैं इस मार्जिन के नज़दीक जाता हूँ मेरा जो एरो है वो वाइट हो जाता है। इसका मतलब ये उस मार्जिन को कंसिडर करके एज अ फ्रेम कंसिडर करके वहाँ पर टेक्स्ट जो है वो इंपोर्ट करने वाला है। सो मैं बस वहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जितना टेक्स्ट उस नोटपैड फाइल में था वो सब कुछ यहाँ पर आ गया है और उसने ये जो मार्जिन थी उसे कंसिडर किया और यहाँ पर एक फ्रेम बन गई। मार्जिन वैसे की वैसे ही है। यहाँ पर देखिए फ्रेम ख़त्म होने के बाद कुछ टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ये रेड प्लस आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो मैं क्लिक करके इस तरह से दूसरे पेज पर ले सकता हूँ, या फिर और एक तरीका है, मैं जब टेक्स्ट इंपोर्ट करूँगा यहाँ से सैम्पल स्टोरी तब मैं यहाँ पर देखिए ये वाइट एरो हो जाने के बाद शिफ्ट की प्रेस करूँगा। तो शिफ्ट की जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ देखिए इस तरह से एक स्नेक टाइप में एक आइकन वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा शिफ्ट क्लिक, देखिए क्या हुआ यहाँ पर तीन पेजेस बन गए। इसका मतलब शिफ्ट प्रेस करके जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो उस नोटपैड की फाइल में जितना कंटेंट था वो सब कुछ यहाँ पर अलग अलग पेजेस पर इंपोर्ट हो गया, इसी वजह से यहाँ पर पेजेस बन गए। सो देखिए ये पेज नंबर एक, ये दो और ये तीन, यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो रही है। तो ये शिफ्ट प्रेस करके कंटेंट यहाँ पर इंपोर्ट करना बहुत आसान होता है, अदरवाइज आपको टेक्स्ट को थ्रेड करना पड़ता है। जो रेड वाला प्लस सिंबल ओवरफ्लो का मैंने बताया था वो वाला आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने पहले दो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये सारी जो बेसिक बातें हैं टेक्स्ट को थ्रेड करने की, कनेक्ट करने की, ये सारी उसमें मैंने बता दी है। यहाँ पर फ्रेम बन चुकी है और इस फ्रेम के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट है और अब मुझे ये टेक्स्ट मैनेज करना है, इसके फॉन्ट चेंज करने हैं, इसकी साइज चेंज करनी है। तो मैं इस फ्रेम को इस तरह से क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद देखिए कर्सर यहाँ पर है। अगर कोई आपको वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप इस तरह से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं
और InDesign में जब आप 3 बार क्लिक करते हैं तो ये जो पूरी लाइन है वो सिलेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 देखिए, अगर 4 होता है 1, 2, 3, 4 तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर देता है। और अगर हम 5 बार क्लिक करते हैं बिना रुके तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पूरी की पूरी फ्रेम सेलेक्ट हो जाती है। सो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये ग्राफिक बनाते समय बहुत काम में आती है। सो अब मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट मैं चेंज करूँ क्योंकि ये फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए करके मैं पूरी की पूरी जो फ्रेम है उसे सेलेक्ट करता हूँ। ये टेक्स्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से ये सारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो चुका है हर एक पेज पर। सो अगर मुझे सिर्फ इसी पेज का टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं विदाउट कोई झिकझिक किए सिंपली इस तरह से मैनुअली ड्रैग करके सेलेक्ट करूँगा ताकि ये सेलेक्ट ना हो। कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सारा टेक्स्ट जो है उसका फॉन्ट चेंज हो जाए, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए मैंने कंट्रोल ए किया। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए, ये है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और नीचे है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जब क्लिक होता है, जब एक्टिवेट होता है, तब आप यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मिनियन प्रो है तो मैं कोई और फॉन्ट ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पर मैंने सोर्स सैंस प्रो सेलेक्ट किया है। यहाँ से आप टेक्स्ट की साइज चेंज कर सकते हो, जितना साइज आपको किसी टेक्स्ट का चेंज करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से साइज चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ W बड़ा दिखाना चाहता हूँ। फिर है लीडिंग, लीडिंग यानी दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस। सो यहाँ पर देखिए, मैं ये पहला वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और लीडिंग जो है वो चेंज करता हूँ कुछ इतना 24। तो देखिए लाइंस के बीच में गैप बढ़ चुका है, तो ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल कैप्स, आप चाहें तो आपके लेटर्स को कैपिटल कर सकते हो यहाँ से। फॉर एग्जांपल यू सी दोस, मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो ये सारा कैपिटल हो गया। ये है स्मॉल कैप्स, इसका मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी लेटर्स भी कैपिटल रहेंगे बट वो छोटे दिखेंगे। यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट डिसाइड कर सकते हो। अब ये सुपर और सबस्क्रिप्ट आपको पता है फॉर्मूलाज वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्टोरी है तो स्टोरी में कभी कभार रेफरेंस भी होते हैं। मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है वो नंबर 5 का रेफरेंस है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से नंबर 5 लिखता हूँ और इस 5 को सेलेक्ट करके मैं सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ। तो देखिए रेफरेंस की तरह ये दिख रहा है। अगर नीचे चाहिए तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में नज़र आएगा। उसके बाद है अंडरलाइन, अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन करना टेक्स्ट को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू, ज़रूरत पड़ती है तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद ये क्लोज्ड पर इस तरह से डैश लाइन आ गई। उसके बाद है कर्निंग, कर्निंग यानी दो लीटर्स के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर मान लीजिए 4 पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पर 75 करता हूँ तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस बढ़ गया। और अगर मैं 200 करता हूँ तो देखिए और ज़्यादा गैप बढ़ गया। तो ये जो कर्निंग होती है ये आपको ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करनी पड़ती है। यहाँ पर ऑप्टिकल और मैट्रिक्स वाले ऑप्शन है। मैट्रिक्स यानी वो स्पेसिंग, जब कोई फॉन्ट जब बनाता है तो वो जितनी साइज डिफाइन करता है लेटर्स में उतनी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैट्रिक्स क्लिक करने के बाद नज़र आती है। लेकिन अगर आप चाहे तो ऑप्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल यानी InDesign अपने हिसाब से सोचकर इन सारे लेटर्स के स्पेसिंग को ध्यान में रखकर एक कंफर्टेबल स्पेसिंग यहाँ पर अरेंज करके दे देता है। तो ऑप्टिकल यूज़ करना बहुत अच्छा होता है, या फिर अगर आपको ज़रूरत है मैट्रिक्स यूज़ करने की तब आप मैट्रिक्स यूज़ कीजिए। उसके बाद है वर्टिकल स्केल, लेटर्स को अगर आप स्केल करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है, बहुत ही रेयरली इसका इस्तेमाल होता है, तब आप कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करके रखते हैं तो देखिए
टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर ज़रूरत लगती है आपको तो कर दीजिए, इसे 100% कर दीजिए, बस ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद है बेस लाइन शिफ्ट। अब देखिए ये सारी जो लाइन्स है ये है बेस लाइन, ये सारे लेटर्स एक बेस लाइन पर टिके हुए हैं। अगर मैं इसे इस अटेंड को सेलेक्ट करके ये बेस लाइन जो है वो शिफ्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है, हम जो बेस लाइन है वो शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है हॉरिजेंटल स्केल, जिस तरह से ये वर्टिकल था अब ये हॉरिजेंटल होगा। देखिए शायद ही कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपका टेक्स्ट कुछ गड़बड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है तब आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर देखिए 100% है, तो यहाँ पर भी 100 कर दीजिए, जहाँ कहीं पर गड़बड़ हो चुकी होगी वो ठीक हो जाएगी और आपका फॉन्ट अच्छी तरह से नज़र आएगा। उसके बाद है स्क्यू, किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से डिग्रीज उसके चेंज होते हैं और ये इटैलिक नज़र आता है। सो ज़्यादा डिग्रीज भी टेक्स्ट को ख़राब कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको टेक्स्ट स्लाइटली स्क्यूड दिखाना है, इटैलिक दिखाना है, तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इटैलिक चूज़ कर सकते हैं, इसको ज़ीरो कर दीजिए तो ये इटैलिक यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बट देखिए अगर आपको ज़रूरत लगती है इसको इटैलिक रखने की तो यहाँ से रखिए, अदरवाइज आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद है टेक्स्ट का कलर, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, हो गया, बस आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर क्लिक करके कोई कलर चूज़ करना है। कलर्स के बारे में डिटेल में वीडियो मैं आने वाले एपिसोड्स में बनाने ही वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप यहीं से कलर्स चूज़ कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर डबल क्लिक करके देखिए यहाँ पर आप कलर्स चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कलर्स पर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाने ही वाला हूँ, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। उसके बाद है ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन, देखिए यहाँ पर ये जो रेड लाइन इस तरह से zigzag लाइंस बता रहा है, ये बता रहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ है, ये टेक्स्ट उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसकी स्पेलिंग शायद उसे लग रहा है गलत है, इसी वजह से वो यहाँ पर इस तरह से रेड में मुझे दिखा रहा है। सो मुझे पता है कि ये गलत नहीं है और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है वो इस भाषा का नहीं है, किसी और भाषा का है, तो इसे गलत मत कहिए। तो मैं इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करूँगा ये वाला जो है, और मैं यहाँ पर इंग्लिश की जगह मैं कोई और लैंग्वेज यूज़ कर लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच। तो अब उसे मैंने बता दिया है कि ये जो नाम है वो फ्रेंच है, इसलिए उसे गलत मत कहो, उसके नीचे कोई अंडरलाइन मत दिखाओ। तो ये यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, वो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। मेरा मॉनिटर बहुत बड़ा है इस वजह से शायद ये मुझे यहाँ से दिखा रहा है, बट हो सकता है आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पर नज़र ना आए। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है वो अगर आपको देखना है, एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स, तो उस पर क्लिक करने के बाद शुरुआत जो है वो वहीं से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट लाइन है, देखिए आप इस तरह से सेंटर लाइन कर सकते हैं, राइट लाइन कर सकते हैं, इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन सेंटर कर सकते हैं, और ये फोर्स जस्टिफाई। तो ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। वैसे आने वाले चैप्टर्स में ये भी धीरे धीरे कवर होता जाएगा। उसके बाद है इंडेंट, तो ये है लेफ्ट इंडेंट। अब देखिए ये जो फ्रेम है तो वो पूरी तरह से टेक्स्ट जो है वो उसके साथ चिपका हुआ है, पूरी तरह से इस तरह से स्टिक हुआ है।
तो अगर मैं चाहूँ तो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ। प्रोफेशनल लेटर्स वगैरह टाइप करते समय इसकी ज़रूरत होती है, तो देखिए आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, बस आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इंडेंट बढ़ाना है, लेफ्ट साइड से स्पेसिंग बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं राइट साइड से भी तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, तो ये राइट साइड से भी स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं। अब इस फ्रेम में लेफ्ट और राइट से इतना गैप है, ये एक मार्जिन की तरह हमने ऐड कर दिया। उसके बाद है फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट, इसका मतलब पैराग्राफ में जो सबसे पहली लाइन होगी वो लेफ्ट से इंडेंट होगी। यहाँ पर पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो इंडेंट हमने किया था, बट सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करने से देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ फर्स्ट लाइन जो है वो लेफ्ट से इंडेंट हो रही है। तो ये भी बहुत बार हम लोग देखते हैं बुक्स में या फिर लेटर्स में, मैगजीन्स में, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह से फर्स्ट लाइन लेफ्ट से हमने इंडेंट की, उसी तरह से लास्ट लाइन राइट से हम इंडेंट कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए इस तरह से। उसके बाद है ये स्पेस बिफोर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में देखिए स्पेसिंग, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से वो बढ़ा सकता हूँ, और इस तरह से कम भी कर सकता हूँ। उसके बाद है ये ड्रॉप गैप नंबर ऑफ लाइंस, भी देखिए ये जो मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पर एक W लेटर जो बड़ा किया था वो सिर्फ एक लाइन को यहाँ पर कवर कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर ये वाला बटन प्रेस करता हूँ दो बार तीन बार, तो देखिए तीन बार यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर डिफाइन किया है तीन लाइंस, तो अब ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तो हम जितना बड़ा चाहे उसे रख सकते हैं या फिर जितना छोटा चाहे उसे कर सकते हैं। और उसके बाद है ये ड्रॉप गैप वन और मोर कैरेक्टर्स, देखिए यहाँ पर सिर्फ लेटर W जो है वो ड्रॉप गैप है, यहाँ पर मैं तीन लाइंस कर देता हूँ, देखिए एक दो तीन लाइंस हो चुके। अब देखिए इस W लेटर को मैं अगर यहाँ पर और एक क्लिक करता हूँ तो ये जो E है वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाता है, मतलब वो भी ड्रॉप कैप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो तीसरा लेटर जो और एक W है वो भी उसमें ले सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके ये। सो जितने ज़्यादा चाहूँ मैं लेटर्स यहाँ पर ले सकता हूँ, उन्हें बड़ा कर सकता हूँ, ड्रॉप कैप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब देखिए अगर आपको इस फ्रेम में चेंजेस करने हैं जो अभी मैंने सेलेक्ट की है, देखिए हमने क्या किया था कि लेफ्ट से इतनी जगह रखी थी और राइट हैंड साइड से इतनी जगह रखी थी, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो W है ये एकदम से यहाँ पर चिपक चुका है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऊपर की तरफ से थोड़ी जगह बनाई जाए और नीचे से भी, तब मैं एक ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा जो कंट्रोल B से सामने की तरफ आता है, जिसे कहा जाता है टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मिलेगा, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन Ctrl+B। अब यहाँ पर मेरे पास कई सारे फीचर्स आ चुके हैं, अब मैं कई सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ। फिलहाल मैं जो हमने ये जो लेफ्ट और राइट में जो स्पेसिंग छोड़ी थी उसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, सबको मैं यहाँ से ज़ीरो कर देता हूँ और फिर मैं Ctrl+B प्रेस करता हूँ टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस। अब देखिए कॉलम्स जैसे ही मैंने बढ़ाए तो ये जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम में जा चुका है, और यहाँ से मैं गटर की साइज चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से विड्थ में चेंज कर सकता हूँ दो कॉलम्स की। देखिए जैसे मैं कह रहा था कि ये जो W है वो बहुत ही टेक्स्ट फ्रेम के साथ ऊपर की तरफ से चिपक चुका है, वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नीचे की तरफ लाना है, तो मैं यहाँ से ये जो इनसेट स्पेसिंग है वो यूज़ करके कर सकता हूँ।
देखिए मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारा जो टेक्स्ट है वो उस फ्रेम को छोड़कर दूर की तरफ भाग रहा है, लेफ्ट से राइट से हर तरफ से। मैं सिर्फ चाहता था कि ऊपर की तरफ से वो नीचे आए। सो ऐसे वक्त में मैं यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो कर लेता हूँ, कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ज़ीरो कर लेता हूँ, ये जो चैन का आइकन है जो लिंक है उसे तोड़ देता हूँ। अब मैं पिक्सल वाइज ऊपर की तरफ से नीचे टेक्स्ट को ले सकता हूँ। देखिए 50 यहाँ पर मैंने ऐड किया है, देखिए इतना गैप यहाँ पर बन गया। अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से नीचे से भी गैप डिफाइन कर सकता हूँ, कंट्रोल बी। यहाँ पर मैं बॉटम का गैप जो है वो 25। प्रीव्यू ऑन होने की वजह से यहाँ पर फ्रेम्स में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, अगर ये ऑफ होता तो मुझे चेंजेस नज़र नहीं आते। कॉलम मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप फ्रेम में और टेक्स्ट में गैप अगर आपको लाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बॉटम में ज़ीरो रख देता हूँ। कुछ और चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सी फ्रेम ड्रैग करता हूँ, उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट, एक फेक टेक्स्ट मैं यहाँ से ऐड करता हूँ फिल विथ प्लेस होल्डर से, और फिर मैं कंट्रोल बी करता हूँ टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो फ्रेम से बिल्कुल चिपक कर है, उनमें कुछ गैप नहीं है, और ये है वर्टिकल जस्टिफिकेशन। फिलहाल ये टॉप पर है, अगर मैं यहाँ पर बॉटम करता हूँ तो देखिए क्या होता है। जिस तरह से ऊपर से ये जो टेक्स्ट था वो ऊपर से पूरी तरह से चिपका हुआ था, अब वो फ्रेम के नीचे से चिपका हुआ है। उसी तरह से हम उसे सेंटर में रख सकते हैं या फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप होता है। तो ये सिंपल सी बात है कि आपको फ्रेम में टेक्स्ट जो है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, ये आप डिफाइन कर सकते हो, टॉप से, बॉटम से या फिर सेंटर से। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस है जैसे कि ऑटो साइज। अब ये ऑटो साइज क्या है देखते हैं। यहाँ पर सैम्पल टेक्स्ट मैंने एक फ्रेम में ऐड किया था, अगर मैं इस फ्रेम को छोटा करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे ये प्लस साइन दिखाएगा जो कहेगा कि टेक्स्ट इस फ्रेम में मौजूद है जो बाहर आना चाहता है। तब मैं कंट्रोल बी करता हूँ, ये ऑटो साइज पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसे हाइट ओनली करता हूँ और इस तरह से टॉप पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ चेंजेस यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पर पहले ये ऑफ था बट अब यहाँ पर हमने हाइट ओनली उसे डिफाइन किया है। तो अब जब कभी भी मैं ट्राई करूँगा इस फ्रेम को छोटा करने का तो वो फ्रेम छोटी नहीं होगी। जितना टेक्स्ट उसके अंदर मौजूद है उतनी वो फ्रेम बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल भी आप इसे छोटा नहीं कर सकते। आप जितना टेक्स्ट इस फ्रेम में ऐड करते जाएंगे वो फ्रेम ऑटोमेटिकली उतनी बड़ी होती जाएगी। फॉर एग्जांपल इतना मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ, देखिए फ्रेम जो है ऑटोमेटिकली बड़ी हो रही है। तो आप कितना भी इसमें टेक्स्ट ऐड कीजिए ये जो फ्रेम है वो बढ़ती ही जाएगी, तब तक जब तक ये पेज के बॉर्डर को हिट ना कर दे, और तब जाकर ये इस तरह से रेड आइकन दिखाएगी जो कहेगी कि टेक्स्ट जो है अब पेज के बाहर जा रहा है। सो हम इसे क्लिक करेंगे और फिर कहीं और इसे ड्रैग करके बचा हुआ टेक्स्ट ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो अब ये ओवरफ्लो का यहाँ पर आइकन नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग इस तरह से इसे मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रहे ये हमें यहाँ पर फ्रेम छोटी करने के लिए अलाउ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये पूरी तरह से पेज के बाहर जा चुका है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, बट जब टेक्स्ट पेज के अंदर होता है तब हमें ये फ्रेम एडजस्ट करने नहीं देता। तो ये आप यहाँ से ऑटो साइज से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया, अब ये फिर से कह रहा है कि टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर आप अगर डबल क्लिक करते हैं तो फ्रेम जो है जितना भी टेक्स्ट इसके अंदर है वो सारा आपको नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल डबल क्लिक, देखिए इतना टेक्स्ट है,
और भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। बेसलाइन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बेसलाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं कैप हाइट के अनुसार। सो यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आने वाले एपिसोड्स में हम धीरे धीरे उन्हें सीखने ही वाले हैं। उसके बाद कुछ हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, जस्ट रैंडम कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं एंटर करता हूँ, फिर से कुछ टाइप करता हूँ। मान लीजिए मैं इसे एक लिस्ट बना रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो ये मेरी बेसिक सी लिस्ट है और मैं इसमें अब बुलेट्स ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इस फ्रेम को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर देखिए बुलेट्स का ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। सो जिस चीज़ को मैं बुलेट करना चाहता हूँ उस पर मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये बुलेट का बटन प्रेस कर दूँगा, तो वहाँ पर बुलेट जो है वो ऐड हो जाएगी। और अगर मैं सारे पॉइंट्स को बुलेट देना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखिए सारे जो है वो बुलेट्स बन गए हैं, साथ ही साथ जहाँ पर स्पेसिंग थी वहाँ पर भी बुलेट बन गई है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बैक स्पेस यहाँ पर देता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके एंटर करता हूँ, जिस वजह से वहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस आ जाता है। अगर मैं सिर्फ एंटर करता हूँ तो इनडिज़ाइन को लगता है कि मैं वहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, क्योंकि कर्सर फ्लैश हो रहा है, उसे समझ में नहीं आता कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है या नहीं है। सो मैं उसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से ब्लैंक हो जाओ। सो इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके मैं एंटर करता हूँ। बुलेट के बारे में चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे, अल्ट प्रेस करेंगे और इस तरह से बुलेट्स के बाकी फीचर्स आप यहाँ से एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट इंडेंट, अभी हमने सीखा इंडेंट क्या होता है, लेफ्ट साइड से स्पेसिंग छूट जाती है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लेफ्ट इंडेंट कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑफ है, ऑन करता हूँ तो देखिए फ्रेम में लेफ्ट साइड से स्पेसिंग हो रही है। अलाइनमेंट लेफ्ट से है, मैं सेंटर से कर सकता हूँ, राइट से कर सकता हूँ। और ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है ये बुलेट्स को उनकी तरफ, टेक्स्ट की तरफ नज़दीक ले जाता है, उसी तरह से दूर भी यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से बुलेट की जो साइजेस है, उनके जो डिज़ाइंस है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहे बाय डिफ़ॉल्ट उनके, तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, अगर आप कुछ और यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू कैरेक्टर स्टाइल कीजिए और ये जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके देखिए, थोड़ा खेलिए यहाँ पर, वैसे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखने ही वाले हैं। अगर कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ से भी एक्सेस की जा सकती है, या फिर अल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जो शॉर्टकट है उसे सामने लाने का। इस तरह से आप नंबर्स भी यहाँ पर दे सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद है शेडिंग, अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको अगर हाईलाइटेड दिखाना है तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप इसे किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। ये है बॉर्डर, फ्रेम की बॉर्डर यहाँ से आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग टेबल सीखने वाले हैं तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बट अगर लगता है आपको तो आप इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद ये जो स्टोरी है सामने लेता हूँ, ये जो हाइफनेट वाला ऑप्शन है इसका मतलब है, अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोशन लेस, और मोशन और लेस के बीच में ये गैप है, ये डैश है, ये डैश यानी यहाँ पर मोशन लेस लिखने ही वाले थे बट यहाँ पर जगह कम होने की वजह से डैश कर दी गई और लेस जो है वो आगे लिख दिया गया। तो ऐसा ना हो इसलिए आप इस हाइफनेट को क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए मोशन लेस प्रॉपरली एक वर्ड बन गया और यहाँ से हाइफनेट्स हट गए हैं। जो कुछ भी चेंजेस आपने यहाँ पर किए हैं टेक्स्ट में, वो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एकदम फर्स्ट स्टेप पर लेके जाने हैं तो आप सिंपली क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल विंडोज़ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसे क्लिक करता हूँ,
तो एकदम स्टार्टिंग में जो फॉन्ट मैंने लिया था वहां पर ये पहुंच गया एकदम लास्ट स्टेप। सो ये छोटी बट काम वाली चीज आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड, ये बेसलाइन के ग्रिड के साथ अलाइन हो जाता है, इस तरह से ये नजर आता है पूरे टेक्स्ट पर। ये हो गया अप्लाई। जो हम लोग कॉलम्स कंट्रोल बी करके कर रहे थे टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में से, वही हम यहां से कर सकते हैं। देखिए तीन कॉलम ऐड हो गए। यहां पर मैं गटर एडजस्ट कर सकता हूं, देखिए गटर यहां पर चेंज हो रहा है। यार ये नाम याद रखना बहुत ही सिंपल है, गटर। तो ये जो थी वो सारी इंपॉर्टेंट बातें अब हम सीख चुके हैं। छोटे मोटे जो फीचर्स होते हैं वो कभी यूज़ में आते हैं, कभी कभार नहीं भी आते। मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता कुछ चीज़ें, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगा उन्हें एक्सप्लेन करने की। तो अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि स्पेल मिस्टेक्स वगैरह कहाँ से फाइंड आउट करने चाहिए, किस तरह से रिप्लेस करना चाहिए, ये सारी बातें फटाफट, वरना ये जो एपिसोड है ये बहुत बड़ा महा एपिसोड बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट इंपोर्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ये जो स्टोरी है उसे यहाँ पर मैं खींच कर लाता हूँ आगे। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में भी ये झिकझिक होती है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है, तब हमें एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वो बताता नहीं है कि कौन सा शब्द गलत है क्या नहीं। इलस्ट्रेटर में ये फंक्शन नहीं है, बट इनडिज़ाइन में ये फंक्शन है कि आप चेक कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो गया है तो। और वो फीचर ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट में स्पेलिंग में जाना होगा और यहाँ से आपको क्लिक करना होगा ये डायनामिक स्पेलिंग वाला फीचर। इसे क्लिक करते हैं तो ये सारा आपको नज़र आता है जो गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही है वो यहाँ पर वो बता रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो लेटर है ये कुछ लिखा हुआ है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे नाम हो सकते हैं या फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, शायद ये लाइव्स हो सकता है, लाइव हो सकता है। सो ये यहाँ पर मुझे इस तरह से सजेशन देता है, देखिए यहाँ पर भी दे रहा है, यहाँ पर ग्रीन में कुछ मुझे बता रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड है ये डबल या ट्रिपल हो चुका है, मतलब दो तीन बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर जाकर इस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बहुत सारी इमेजेस होती, बहुत सारा यहाँ पर मेसी होता जो आपका लेआउट है, तब आपको ये सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसीलिए और एक आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो जो है कंट्रोल वाई, यानी कि स्टोरी मोड में आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ये है स्टोरी मोड, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर है, बस यहाँ पर आपको कोई इमेजेस नज़र नहीं आएंगी, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट से रिलेटेड आप चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एंड 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 जो है वो ये यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है ग्रीन लाइन में। वैसे अगर आप चाहे तो ये जो फॉन्ट है उसे चेंज कर सकते हैं, वो चेंज करने के लिए आपको प्रेफरेंसेस में जाना होगा और वहाँ से स्टोरी एडिटर डिस्प्ले जो है उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब ये फॉन्ट थोड़ा चेंज हो चुका है, साइज़ भी आप वहीं से चेंज कर सकते हो, एडिट प्रेफरेंसेस स्टोरी एडिटर। सो अगर मान लीजिए बहुत यहाँ पर इमेजेस है, आपको तकलीफ हो रही है टेक्स्ट को चूज़ करके उसमें चेंजेस करने की, तब आप इस स्टोरी एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंट्रोल वाई से सामने की तरफ आता है, या फिर आप स्टोरी एडिटर को यहाँ से भी सामने ला सकते हो, एडिट एडिट इन स्टोरी एडिटर, लेकिन कंट्रोल वाई ऑप्शन जो है वो ज़्यादा इजी है। सो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर एंड और एंड डबल हो चुका है तो मैं इसे हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ से भी वो हट गया है। तो अब देखिए यहाँ पर इतने सारे एरर्स हमें नज़र आ रहे हैं, वो एडिट में जाकर स्पेलिंग जब हमने किया था उसमें डायनेमिक स्पेलिंग किया था उस वजह से नज़र आ रहे हैं। अगर ये ऑफ होता है तो आपको ये रेड वाला जो इंडिकेशन है वो नहीं मिल पाता। उसके बाद है चेक स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ आपको नज़र आ रही है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब ये जो है
या जर कुछ पता नहीं क्या है, ये यहाँ पर ढूंढने लगता है। अगर मैं इसे बता दूँ कि यार ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये मेरा नाम है, तो अगली बार ये इसे एज अ स्पेलिंग मिस्टेक कंसिडर नहीं करेगा, इसे समझ में आ जाएगा कि ये नाम है। तो वो करने के लिए हम यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद कभी भी वो बाद में उस पर्टिकुलर नाम को स्पेल मिस्टेक कंसिडर नहीं करेगा। सारे डॉक्यूमेंट में अगर आपको स्पेलिंग एरर्स चेक करने हैं तो सेलेक्ट कीजिए सबको और कहिए स्टार्ट। जितने भी उसको डाउट्स होंगे वो सारे यहाँ पर आपको दिखा देगा कि मुझे इतने स्पेलिंग मिस्टेक्स लग रहे हैं। सो आप अगर ज़रूरत है तो चेंज कीजिए या फिर इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करने के बाद ये अगला वाला डाउट जो है उसको सामने लाता है। सो एक एक करके आप इस तरह से यहाँ पर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। सो वो मुझे एडिट में फाइंड एंड चेंज में मिलेगा। फाइंड व्हाट, चेंज टू, ये दो ऑप्शंस यहाँ पर है। सो ये पूछ रहा है कि क्या ढूंढना है। तो मान लीजिए चलिए मैं फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट। देखिए मिल गया फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं सेकंड लिखता हूँ और इसे कहता हूँ कि चेंज। देखिए क्या हुआ, स्मूथनेस ऑफ अ सेकंड इम्प्रेशन जो कि फर्स्ट था। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे छोटे 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 फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन देखने वाले हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप काम शुरू कर सको वो सारी मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको, अच्छे डिज़ाइंस इन डिज़ाइन में बना सको। आप जो कुछ भी डिज़ाइंस बना रहे हैं, जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप वहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए। जितने लोगों तक आप ये वीडियोस पहुंचा सकते हैं प्लीज़ हम सब के लिए पहुंचाइए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है जितने नए लोग यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके क्वेश्चंस देने होते हैं, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इसलिए आप सबका, हम सबका नॉलेज बढ़ता है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू।